आईपीएल 2023 में अब कोलकाता से खेलेगा गुजरात को चैंपियन बनाने वाला गेंदबाज। लॉकी फर्ग्यूसन ने आईपीएल 2022 में गुजरात के लिए शानदार गेंदबाजी की थी। टीम को चैंपियन बनाने में उनका काफी ज्यादा योगदान था, लेकिन अब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों को अपने रिटर्न खिलाड़ियों का ऐलान 15 नवंबर तक करना है। इससे पहले ट्रेंड विंडो खुली हुई है और टीम आपस में खिलाड़ियों को खरीद सकती है। ट्रेंड विंडो के तहत कोलकाता की टीम ने दो विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। ये दोनों खिलाड़ी पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे, लेकिन आईपीएल 2023 में दोनों ही खिलाड़ी कोलकाता के लिए खेलते दिखेंगे। गुजरात टाइटंस के लॉकी फर्ग्यूसन को कोलकाता ने ट्रेंड विंडो के तहत अपने साथ जोड़ा है। लॉकी फर्ग्यूसन आईपीएल 2022 में शानदार लय में थे। उन्होंने 13 मैचों में से गुजरात के लिए 12 विकेट लिए थे। एक मैच में 4 विकेट भी चटके थे। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में फर्ग्यूसन को गुजरात की टीम ने 10 करोड़ की कीमत में खरीदा था। हालांकि कोलकाता की टीम ने 2022 में फर्ग्यूसन को खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन अब उन्हें 10 करोड़ की कीमत पर अपनी टीम में जोड़ा है। अब कोलकाता की टीम को 15 नवंबर तक अपने कुछ पुराने खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना होगा। और वहीं जेसन रॉय को चोटिल होने पर गुरबाज को 50 लाख की कीमत पर गुजरात की टीम के साथ जुड़े थे। जेसन रॉय को गुजरात ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ की कीमत पर खरीदा था। हार्दिक की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम ने 2022 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। गुजरात ने फाइनल में राजस्थान रॉयल को हराकर खिताब अपने नाम किया था। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि 2023 आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी।